बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा के भेद तथा पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। वर्ण, वर्ण मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि या आवाज़ कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ई, क, च, म, प, त आदि। वर्णमाला, वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्णों के क्रमवत समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वे वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनकी संख्या 11 होती है। इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग तथा अह, इन्हें भी हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग तथा अह भी लिखे जाते हैं। यह न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र, जैसे सैनिक, त्रिदेव, विज्ञान, परिश्रम।